आज हम लोग यहाँ में सत्याग्रह धरना बैठा हुआ है ईटानगर में। हम लोग अपना सॉलिडरिटी सपोर्ट देते हुए राहुल गांधी जी का लीडरशिप में, जिनको बीजेपी सरकार ने अन्याय कर रहा है, जो 2 साल का सजा दिलवा दिया सूरत कोर्ट से, और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का डिस्क्वालिफिकेशन भी ऑर्डर भी निकलवा दिया। ये तो गैर कानूनी हम मानते हैं, ये डेमोक्रेसी का खिलाफ है और इस प्रकार से डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के लिए कोशिश करने जा रहा है। इसका खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठा रहा है। वी स्टैंड विथ राहुल गांधी एंड विल फाइट विथ राहुल गांधी टू रेस्टोर डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। थैंक यू वेरी मच। तो सर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे है इंडिया में, हमारे भारत में जो है अपोजिशन पार्टी भी हैं, और फर्स्ट टाइम जो है इस आवाज़ उठा रहे हैं राहुल गांधी के सपोर्ट में, तो आप क्या कहेंगे सर? नहीं, जो बीजेपी सरकार डेमोक्रेसी कंट्री में सरकार पब्लिक ने विश्वास करके दिया है, सरकार चलाने के लिए 10 साल समय दिया उनको, देश को अच्छे से चलाना चाहिए, देश के लिए तरक्की करना चाहिए, लेकिन उसके बदले में देश का जो राजनेताओं को अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को वो हरास कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, जेल भेज रहा है और डिस्क्वालीफाई कर रहा है, बोलने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है, पार्लियामेंट में बोलने के लिए भेजा है आम जनता ने, उसको बोलने के लिए मौका नहीं देता है, बोला हुआ को भी और खता देते हैं, स्पर्श कर देते हैं स्पीकर, तो इस प्रकार से डिक्टेटरशिप सरकार कैसे चलेगा? ये तो डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री में डिक्टेटर कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता, शायद आम जनता उसको फैसला जरूर करेगा। तो सर, आप लोगों का ये जो सत्याग्रह पीसफुल धरना जो है, अब कितने दिनों तक चलेगा? कुछ ऐसा, क्योंकि आपने अपने स्पीच में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोग जाएंगे। ये हम लोग का संघर्ष कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे देश में डेमोक्रेसी का पूरा बहाल नहीं होगा और यहाँ लोगों का सिक्योरिटी अच्छा से नहीं होगा, अपना संविधान का रक्षा के लिए, सेक्युलर डेमोक्रेसी को रक्षा के लिए लड़ते रहेगा। जब तक हम लोग ये डेमोक्रेसी को सिक्योर नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। क्या आपको लगता है सर कि 2024 जो कमिंग इलेक्शन आने वाला है, तो उसके चलते ही रूलिंग जो गवर्नमेंट है सेंटर की जो है वो राहुल गांधी से डरी हुई है? राहुल गांधी को तो पहले से डरा हुआ है, इसलिए वो राहुल गांधी का पीछा करते रहते हैं। राहुल गांधी कब खाता है, कब सोता है, कब जाता है, कब नहाता है, कब घूमने जाता है, वो सबको वो लोग नज़र रखते हैं और उसको बताते रहता है, न्यूज़ में बताते हैं कि वो आज राहुल गांधी वहाँ गया है, आज गांधी राहुल गांधी घर आ गया है, उतना तो लोग बताते हैं, राहुल गांधी का पीछे पड़ते हैं। वो राहुल गांधी को पता नहीं क्यों टारगेट करते हैं, राहुल गांधी देश का आवाज़ उतार रहे हैं, आम जनता का आवाज़ उतारते हैं, इसलिए उसको टारगेट कर रहा है। जी सर, फाइनली सर, क्या इससे आप लोगों के ऊपर कुछ मोरल जो है आप लोगों का, इसमें कुछ असर पड़ेगा क्या? राहुल गांधी को एक्शन लेने से असर नहीं पड़ने वाला है, राहुल गांधी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी का कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ सुथर कहा है कि उनको कोर्ट कचहरी करो, डराओ धमकाओ और MP से डिस्क्वालिफिकेशन भी करो, वो धरने वाला में से नहीं है और वो आगे वो लड़ते रहेंगे और आम जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, देश के लिए वो रक्षा करेंगे।